भारतीय भाषा अभियान पूर्वी भारत के तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पखवाड़ा न्याय भाषा मंथन कार्यक्रम शनिवार को जिला पंचायत में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में न्याय राम मंदिर ट्रस्ट कामेश्वर चौपाल, क्षेत्रीय संयोजक भारतीय भाषा अभियान कामेश्वर नाथ मिश्रा, संयोजक भारतीय भाषा अभियान राघवेंद्र शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषा को न्यायालय में उपयोग करना तथा ताकि जो भी व्यक्ति कोर्ट में आता है वकील और जज की बातों को समझ सके और भारतीय भाषा को मान और सम्मान बना रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय भाषा अभियान के क्षेत्रीय संयोजक कामेश्वर नाथ मिश्रा ने कहा, पटना हाई कोर्ट पेज 83 के रूप में ज्ञापित वर्ष 2015 में पद मत धारण करते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश कुमार दत्ता वाली न्यायकल्पी उसे पूर्ण पीठ भेजने का आदेश पारित कर दिए। फिर से निर्णय करने की माननीय उच्च न्यायालय पटना के कुछ न्यायमूर्ति उसी निर्णयादेश को ढाल बनाकर आज के तारीख में भी हिंदी आवेदन को रोक रहे हैं और जो न्यायमूर्ति पूर्ण पीठ के निर्णय को ढाल बनाकर हिंदी को रोक रहे हैं उस न्यायमूर्ति के खिलाफ मैं अपने वकीलों को उनके खिलाफ न्यायालय अवमानना दाखिल करने का सुझाव दे रहा हूं और हमारे कुछ वकील मेरे सलाह अधिकारी बना। मैं जैसे ही विधि पदाधिकारी के हैसियत से सरकारी प्रति शपथ पत्र देश की भाषा हिंदी में दाखिल किया, वैसे ही माननीय न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार त्रिपाठी कामेश्वर नाथ मिश्र। भारतीय भाषा अभियान का मुख्य उद्देश्य है न्यायालय में भारतीय भाषाओं में काम हो। वादी प्रतिवादी न्यायालय में आते हैं, वो देखते हैं कि हमारे वकील साहब तो बहस कर रहे हैं परंतु अंग्रेजी में कर रहे हैं। बाहर निकल करके वो आते हैं, पूछते हैं अपने अधिवक्ता बंधु से कि क्या बोले, हमारे जज साहब क्या बोले, दूसरे वकील साहब क्या बोले। यानी न्याय की जो भाषा है उस भाषा को मातृभाषा में हम कैसे बोलें, इस पर जो है भारतीय भाषा अभियान कार्य कर रही है। इसको लेकर आप क्या क्या करने वाले हैं आगे? पूरे देश में हम जागरण के लिए कार्य कर रहे हैं। हम केवल हिंदी के लिए प्रचार में नहीं लगे हैं, सभी भारतीय भाषाओं में, यानी भारत के संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं तो 22 भाषाओं पर जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो उच्च न्यायालय में पदस्थापित हो, इसके लिए भारतीय भाषा अभियान कार्य कर रही है।